अभी आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में ये आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी। एक्चुअली दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आंकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो छोड़िए 2 करोड़ नौकरियां तक पैदा नहीं हुई हैं। मोदी जी ने तो आंकड़ा नहीं दिया, पर मैं आपको आंकड़ा देती हूं बेरोजगारी का। आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज भारत में यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पर है। युवाओं के आंकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखने जाएं, तो आज भारत देश में ग्रेजुएशन करने वाले 45% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ये हैं मोदी जी के 10 साल के वादे, ये है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश के युवाओं के लिए किया है।